हे एवरी वन वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एच पी टैट सो आर ऑनली फोकस विल बी ऑन मेन टॉपिक्स एंड पॉइंट्स सो लेट्स बिगिन टू डेज क्लास जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट्स फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड वॉट इज मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय द मैग्नेटिक मैग्नेटिकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हुआ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस फील कर सके उसको क्या बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओके अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सोर्स क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कैसी है एक वेक्टर क्वांटिटी स्ट्रेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह डिनोट करते हैं वेक्टर बी से जिसको क्या बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक वेक्टर ऐसा यूनिट क्या होगी ऐसा यूनिट होगी मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्र नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन को क्यों डिजाइन किया गया था टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियर एक्सेलेटर मतलब साइक्लोटॉन किसके लिए स्टेबल है टू एक्सेलेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स सच एस प्रोटोन्स अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव आयन्स इसके प्रिंसिपल की बात करें तो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे दैट पॉजिटिव आयन कैन एक्वायर सफिशियंटली लार्ज एनर्जी विथ कम्पेरिटिवली स्माल्टरनेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो सफिशियंटली लार्ज एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम्पेरिटिवली क्या होगा स्मॉल होगा ओके okay? इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है दो मेटल डीज हैं जिनके बीच में एक स्पेस रखा गया है जिनको किससे कनेक्ट किया गया है एक हाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया गया है और इन सबको किसमें रखा गया है एक मेटल चैम्बर में देन ये सारे अप्रेटर्स को किसके बीच में रखा गया है दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साउथ एंड नॉर्थ पोल के बीच में अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज किस तरह एक्ट करती है परपेंडिकुलर ओके okay? और ये जो स्पेस है इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है कब जब जो डी वन है ओके फर्स्ट डी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी और डी टू कैसे होगी नेगेटिव पोटेंशियल पे ओके okay? तब क्या होगा तब प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज जो कोई भी हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं या पॉजिटिव uh, आयस हो सकते हैं ओके फिर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल के गेलवेनोमीटर क्या हुआ ये एक तरह की डिवाइस है जिसका यूज़ हम कर, किस लिए करते हैं टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट किस लिए इसका यूज़ करते हैं डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये वेन ए करंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉप ओके okay, हम ऑलरेडी पहले भी हम पता है कि क्या है जब हम क्या करते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हैं कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे तो वो क्या करती है एक्सपीरियंस करती है टॉक तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ठीक है और किस लिए इसका यूज़ करते हैं टू रोडेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है अमीटर के अमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गैलबेनोमीटर से हम क्या बनाते हैं एमीटर बना सकते हैं क्यों वैसे तो हमें पता है कि गैलवेनोमीटर का यूज़ भी हम किस लिए कर रहे हैं टू डिटेक्ट स्मॉल करंट के बट वैसे ही अगर लार्ज करंट को मेजर करना हो तब हम इंस्टेड ऑफ गैलवेनोमीटर किसका यूज़ करेंगे एमीटर का यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि जो गैलवेनोमीटर है अगर उसमें उसकी रेजिस्टेंस लो है बट उसको थोड़ा सा करंट मिलने पर ही वो क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय uh, हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है इसलिए हम गैलवेनोमीटर की जगह किसका यूज़ करते हैं एमीटर का यूज़ करते हैं ओके टू मेज़र करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि जो अमी है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है लो रेजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इसको किस तरह कनेक्ट किया जाता है ऑलवेज इन सीरीज ओके उसके बाद आता है वोल्ट मीटर गैलवेनोमीटर को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये किस लिए यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट ओके किस लिए यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एमीटर का यूज किस लिए करते हैं टू मेजर करंट वोल्टमीटर मीटर का यूज़ किस लिए करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और क्योंकि क्या है ये हाई रजिस्टेंस है इसकी तो इसलिए इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं इन पैरलर ओके किसके साथ कंडक्टर के साथ अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड मीटर को किस तरह कनेक्ट करेंगे सीरीज में करेंगे सर्किट के साथ और वोल्ड मीटर को किस तरह कनेक्ट करेंगे पैरलर में करेंगे क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस है और जो वोल्ट मीटर है उसके रेजिस्टेंस क्या है हाई रेजिस्टेंस है ओके okay? नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है डीसी मोटर डीसी मोटर क्या है एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसे डिवाइस जब हमें क्या करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे डीसी मोटर का यूज़ करेंगे और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है ये काम करती है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस ए टॉक इन मैग्नेटिक फील्ड सेम जैसा क्या था हमने एक मूविंग कॉयल के भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को क्या रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी टॉक एक्सपीरियंस करेगी तो डी मोटर का भी सेम वही प्रिंसिपल है और किस लिए यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी ठीक नेक्स्ट क्या है डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं फर्स्ट क्या आ गया डाई मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक कैसे मटेरियल्स हुए जो फ्यूवली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ़ील्ड मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरफ को हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ़ील्ड की तो अगर इसके बीच में हम कोई डाई मैगनेटिक मटीरियल रखेंगे तो वो क्या करेगा वो किस तरफ को मैग्नेटाइज होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट कैसे होगा फीबली होगा बहुत स्ट्रांगली नहीं फीबली क्या करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ठीक है फिर सेकेंड कैसे हैं पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक कैसे होते हैं फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये भी क्या करेंगे इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे मैग्नेटाइज करेंगे बट कैसे फीबली ठीक फिर आते हैं फेरो मैगनेटिक फेरोग्नेटिक क्या होते हैं स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में ये भी स्ट्रोंगली क्या करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे कैसे मटेरियल पैरोमैग्नेटिक तो डाई मैग्नेटिक कैसे हो गए जो अपोजिट जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरा मैग्नेटिक कैसे हो गए जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटाइज होंगे बट कैसे फीबली देन पैरो मैग्नेटिक कैसे होंगे स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट क्या हो गया द क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर ऑफ़ ए फेरो मैगनेटिक मेटीरियल इज द टेम्परेचर अबव विच इट लूज इट्स एबिलिटी टू प्रोजेस मैग्नेटिज्म इन द सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जिसके अबव जाने पे क्या होता है जो फेरो मैगनेटिक मटीरियल्स हैं वो लूज़ कर देते हैं इनकी एबिलिटी टू प्रोसेस मैग्नेटिज्म इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेम्परेचर या ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर ओके okay? तो ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हो गया वट इज द यूज ऑफ मूविंग ऑयल गेलवेनोमीटर मूविंग ऑयल गेलवेनोमीटर का यूज किस लिए करते हैं टू डिटेक्ट करंट टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक रंट तो मूविंग कोलिवेटर का यूज़ किस लिए करते हैं टू डिटेक्ट करंट ठीक है तो okay. so, ये क्या हो गया इसका राइट right आंसर हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई वी यू वाई वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज जो अमीटर है उसको हम सीरीज में ही क्यू कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हाई रजिस्टेंस बिकॉज ऑफ लो रजिस्टेंस बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज तो अमीटर में क्या होती है लो वोल्टेज होती है तो इसका आंसर क्या हो गया बिकॉज ऑफ लो रजिस्टेंस ओके okay? वैसे अगर बात करें तो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर में क्या होती है हाई रजिस्टेंस होती है ओके okay? तो वोल्ट मीटर को हम पैरलर में क्यों कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ़ हाई रजिस्टेंस एंड अमीटर की बात है मीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लो रजिस्टेंस उसके बाद आगे फैरो मैगनेटिक मटीरियल्स आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगली मैगनेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं बट किस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या हो गया इसका राइट right आंसर हो गया बाकी नेक्स्ट है जैसे फेबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो कौन से होते हैं पैरा मैग्नेटिक हुए ओके okay? तो इसका क्या आंसर हो गया स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये कैसे क्वेश्चन हैं थोरेटिकल ऐसे ही न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जिसे हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रिलेटिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़